बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ ने सरकार के वायदा खिलाफी के विरोध में अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को गर्दनीबाग धरना स्थल के पास विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि रसोईया संघ ने मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास को खोखला बताते हुए कहा कि सरकार ने हमारे मानदेय में मामूली राशि की बढ़ोतरी कर हमें भीख देने का काम किया है, जो अनुचित कार्य है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार के विभिन्न जगहों से रसोईया को निकाला जा रहा है, 40 दिन के मानदेय में कटौती कर ली गई है, जो रसोईया संघ के खिलाफ है। संघ ने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों पर शीघ्र संज्ञान नहीं लिया गया तो संघ सड़क जाम कर उग्र धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। राज्य विद्यालय रसोईया संघ संबद्ध एक्ट 2 का बिहार विधानसभा के सामने एक दिवसीय प्रदर्शन रखा गया है और प्रदर्शन जो सरकार ने 40 दिन की हड़ताल के दौरान की मांगों के वादा खिलाफी की है उसके खिलाफ में किया गया है। उसने भीख जैसा 250 रुपया बढ़ाया और मोदी सरकार ने तो अपना हिस्सा पिछले 5 साल में नहीं बढ़ाया। बिहार सरकार ने 5 साल में 500 रुपया बढ़ाया लेकिन मोदी सरकार एक पैसा भी नहीं बढ़ाई, जबकि वो बोलती है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम ये सवाल करने आए हैं कि क्या रसोईया का साथ विकास और विश्वास नहीं चाहिए केंद्र सरकार को? हम विधानसभा के माध्यम से ये भी सवाल करना चाहते हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने आश्वासन दिया कि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन रिपोर्ट मिल रही है कि अनेक जगह बिहार में रसोइयों को निकाल दिया गया है, उनको वापस नहीं लिया जा रहा है। 40 दिन की उनके मानदेय में कटौती कर ली गई है, उनको एक दिन में 40 रुपए भी नहीं मिलता है और उनका पैसा काट करके सरकार क्या दिखाना चाहती है? करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है, विधायक का वेतन डबल कर देती है, लेकिन इन गरीब रसोइयों को जो दिन रात मेहनत करती है विद्यालयों में सरकार से मांग क्या है आपका? सरकार से मांग है कि जो मानदेय में कटौती हुई है वो वापस लिया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, उनको जो अतिरिक्त काम लेते हैं जैसे चुनाव में ड्यूटी उनका मेहनताना दिया जाए, उनको 18,000 रुपया मानदेय किया जाए, उनको 4 सूती साड़ी दी जाए, उनको EFESI जो ट्रेड यूनियन की मांग होती है, विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, ये सारी मांगे हैं, पुरानी ही मांगे हैं और उन मांगों के लिए ही धरना के बाद अब क्या करने वाली है? 10 महीने के बाद अब क्या करने वाली है? इसके बाद अब क्या करने वाली है? हम अभी यहाँ दिए हैं, हमारा जिलों में आंदोलन जारी है, जिलों में भी आंदोलन करेंगे, आगे घेराव करेंगे, रोड जाम करेंगे।